हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको बताऊंगा डीपी एडिटिंग कैसे होगी, किस ऐप से होगी। तो गाइस याद रहे, डीपी एडिटिंग करने के लिए हमारे पास दो ऐप्स का होना बहुत ही ज़रूरी है। अब वो ऐप कौन से हैं, एक है पिक्सल लैब और दूसरा है पी एस टच। अभी जो पिक्सल लैब है वो हमें प्ले स्टोर से मिल जाएगा और जो पी एस टच है वो हमें गूगल से मिलेगा। अभी मैं इन दोनों ऐप्स की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उधर से भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो डीपी एडिटिंग कैसे होगी, वीडियो स्टार्ट करने से पहले याद रहे वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, ताकि हर न्यू आने वाला वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। तो गाइस चलो अभी मोबाइल स्क्रीन पर चलते हैं और आपको दिखा देता हूँ कि डीपी एडिटिंग कैसे होती है। तो गाइस, डीपी एडिटिंग करने के लिए इस ऐप का होना बहुत ही ज़रूरी है। ये ऐप पिक्सल लैब, ये हमें प्ले स्टोर से मिल जाएगा। मैं भी वीडियो के लिंक में इस ऐप की लिंक दे दूंगा, उधर से डिस्क्रिप्शन से आप डाउनलोड इस ऐप को कर सकते हो। इसको ओपन कर लेने के बाद नीचे टिक देख लो, डबल पेज पे टच करना होगा और डबल पेज पे टच करके आपको फ्रॉम गैलरी पे टच करना है। ये है फ्रॉम गैलरी, इस पे टच करके आपको पिक सेलेक्ट करनी होगी जिस पे आपको एडिटिंग करनी है। तो देखो गाइज, मैंने ये पिक सेलेक्ट की, आपकी मर्ज़ी आप जो करो। पिक सेलेक्ट करने के बाद नीचे देख लो, इधर टच करना होगा और उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, आपको इधर टच करना होगा इस ए पे, और इस ए पे टच करने के बाद ऊपर जो एडिट आ गया है इस पे टच करना होगा और इस पे टच करके न्यू टेक्स्ट क्लियर करके इधर आपको नाम लिखना होगा, फिर नाम ओके करना होगा ऊपर। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इस ए बी में आना है। ए बी कहाँ है ये भी देख लो, ये है ए बी। इस ए बी में आके अभी ऊपर टिक देख लो, माई फाउंड पे टच करके फाउंड यूज़ करना होगा। मैं जो फाउंड लगाऊंगा उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो फाउंड भी सिलेक्ट कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगे। तो उसके बाद फाउंड लगाने के बाद आपको क्या करना है, आपको इधर टच करना है और इधर टच करके आपको गाइस इस इम्पोर्ट पे टच करना है इस पे। और उसके बाद आपको गैलरी जाके पीएनजी सेलेक्ट करनी होगी। अभी मैं जो पीएनजी लगाऊंगा उसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगी, डाउनलोड कर सकते हो। तो पीएनजी लगाने के बाद नीचे टिक देखो, इधर टच करना होगा। और उसके बाद पीएनजी ले आने के बाद आपको क्या करना है, आपको इधर टच करना है, टिक में देख लो, इधर टच करके ये ऑन करके वन का बटन दबा के ये सारे नीचे ऑफ करके ओके करना है। तो अभी पीएनजी को सेटिंग्स लगानी है, मैं ये पीएनजी लगा रहा हूँ, इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डाउनलोड कर सकते हो। तो उसके बाद इस डबल पेज पर टच करना होगा और इस डबल पेज पर टच करके उसके बाद आपको क्या करना है, आपको इधर टच करना है। और इधर टच कर लेने के बाद अभी गाइज आपको क्या करना होगा, ऊपर हम चलेंगे, ऊपर आपको टिक करके दिखा देता हूँ। जी हाँ गाइज, आपको फिर ऊपर इधर आपको चलना होगा, टिक में आप देख लो, इधर टच करना होगा और इधर टच करके सेव इस इमेज पे टच करना होगा। और सेव इस इमेज पे टच कर लेने के बाद गाइज आपको इधर टच करना है और इधर टच करके आपको वेरी एग पे टच करके सेव टू गैलरी करना है। तो गाइज पिक्सल लैब का काम ख़त्म हुआ। अभी ये ऐप है पी एस टच, ये आपको गूगल से मिल जाएगा, इसकी लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको ओपन कर लेने के बाद अभी नीचे टिक देख लो, इधर टच करना होगा और इधर टच कर लेने के बाद फोटो लेयर पे टच करना है। ये है फोटो लेयर और अब वही पिक सेलेक्ट करनी होगी जो हमने पिक्सल लैब में की थी। तो देखो मैंने वही पिक सेलेक्ट की, पिक सेलेक्ट करने के बाद अभी नीचे टिक देख लो, आपको इधर टच करना होगा और इधर टच कर लेने के बाद आपको क्या करना है, इस प्लस पे टच करना है, टिक में देख लो, इस प्लस पे टच करके फोटो लेयर पे टच करके हमें ये है फोटो लेयर, हमें जाना होगा पिक्सल लैब फोल्डर में, वहाँ से लिखा हुआ नाम ले आना है। नाम ले आने के बाद नीचे टिक देख लो, इधर टच करना होगा और इधर टच कर लेने के बाद अभी फिर से आपको नीचे डबल पेज पे टच करना होगा और डबल पेज पे टच करके आपको फिर से उस प्लस में आना है। ये है प्लस, इस प्लस में आके आपको इधर जो ये इधर आपको टच करना होगा, इधर दो बार साइड पे देखना, दो लेयर करने हैं, दो बार टच करके उसके बाद नीचे डन करना है। और नीचे डन कर लेने के बाद अभी आपको क्या करना होगा, आपको ऊपर इधर टच करना है और इधर टच कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको इस इन्वर्ट पे टच करना है। तो इस इन्वर्ट पे टच कर लेने के बाद आपको क्या करना होगा, नीचे जो डबल पेज दिख रहा है नीचे टिक में देख लो, आपको इधर टच करना होगा और उसके बाद जो ऊपर छोटा डबल पेज आ गया ये है, इस पे टच करना होगा। और उसके बाद साइड में नॉर्मल आ गया, नॉर्मल पे टच करके आपको इधर स्क्रीन करना है, पहले लेयर में फिर दूसरे लेयर में आना है और दूसरे लेयर में आके ऊपर इफेक्ट्स दिख रहा है ये है इफेक्ट्स, इस पे इफेक्ट्स में जाना होगा और इफेक्ट्स में जाने के बाद ये ड्रॉप शोडू आपको करना होगा, ये ड्रॉप शोडू है ये आपको करना होगा। इस पे टच कर लेने के बाद अभी गई ये जो बिलर है देख लो टिक में, ये बिलर 5 आपको करना होगा, ये डिस्टेंस 6 करना होगा और उसके बाद इधर ओके करना है। तो उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, नीचे आपको फिर से डबल पेज पे टच करना है, नीचे डबल पेज गाइस आप देख लो, इस डबल पेज पे टच करके उसके बाद जो छोटा डबल पेज ऊपर है ये है, इस पे टच करके साइड में नॉर्मल पे टच करके दूसरे लेयर में आपको मल्टीप्लाई करना है। तो उसके बाद ये तीसरा लेयर है, तीसरे लेयर में आना होगा और तीसरे लेयर में आने के बाद ऊपर इफेक्ट्स में जाना होगा और इफ़ेक्ट्स में जाने के बाद इधर ये जो बावल है गाइस टिक में देख लो,
ये बावल आपको करना होगा, और इस बावल पे टच कर लेने के बाद अभी बिलर आपको पहले भी दिखाया, अभी भी देख लो, ये बिलर इधर आपको 15, ये डिस्टेंस इधर 20 करना होगा, और फिर इधर ओके करना है। तो उसके बाद गाइज आपको क्या करना है, आपको उसके बाद इधर टच करना है ऊपर इफेक्ट्स पे, इफेक्ट्स पे टच करके ये जो बावल है ये 3 बार आपको करना होगा, ये बावल आपको 3 बार करना है। और उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको नीचे फिर से डबल पेज पे टच करना है, नीचे डबल पेज पे टच करके जो छोटा डबल पेज आ गया ये है इस पर टच करना होगा, उसके बाद साइड में नॉर्मल आ जाएगा, नॉर्मल पे टच करके तीसरे लेयर में लाइट टैन करना है इधर, उसके बाद पहला लेयर, और फिर पहले लेयर में जाने के बाद ऊपर इफेक्ट्स में जाके ये ग्लू आपको करना होगा, ये है ग्लू आप देख लो। तो ये ग्लू कर लेने के बाद अभी जो इधर ये ब्लर है ये आपको 0-3 ये कलर सफ़ेद, और उसके बाद आपको इधर ओके करना है, ब्लर 0-3 करना है याद रहे। और उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे डबल पेज पे टच करना है, नीचे डबल पेज पे टच करके इधर दूसरे लेयर में आना है, ये है लेयर, इसको लेयर बोलते हैं, और इसमें आने के बाद जूम करना होगा, आपका जो भी पहला अक्षर हो उसके कलर करना होगा, अभी मेरा जेड है तो मैं जेड को कलर करूँगा, आपका जो भी पहला अक्षर हो आपको उसको कलर करना है। तो पहले अक्षर को टच कर लेने के बाद गाइस अभी एक बार आपको दिखाऊंगा कलर कैसे होता है, तो ध्यान से देखना, पहले अक्षर को टच कर लेने के बाद ऊपर टिक देख लो, इधर टच करना होगा, और इधर टच कर लेने के बाद आपको क्या करना है, आपको इधर टच करना है, अभी इधर टच कर लेने के बाद आपको क्या करना है, अभी नीचे आप कलर देख रहे हो इधर टच करना है, इधर टच करोगे तो देखो अभी कलर सारे आपके आंखों के सामने आ गए, तो जो अच्छा लगे वो कलर आप कर सकते हो। तो गाइस ऐसे होता है कलर, कलर कैसे होता है वो भी आपको दिखा दिया। और उसके बाद आपको गाइस क्या करना है, उसके बाद आपको जो है वो इधर नीचे डबल पेज पे टच करके, छोटे डबल पेज पे टच करके आपको फिर इधर स्क्रीन करना होगा लाइट लगाने के लिए। तो गाइस मैं आपको दिखा देता हूँ लाइट कैसे लगती है, एक बार आपको वो भी दिखा देता हूँ। तो उसके बाद गाइस आपको क्या करना होगा, आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ जी। हाँ गाइस आपको इधर टच करना होगा, अभी आप देख लो ऊपर डन पे, ऊपर डन पे हमें टच करना होगा, और ऊपर डन पे टच करके हमें सेव पे टच करना है, और सेव पे टच कर लेने के बाद अभी आप नीचे टिक देख लो, आपको इधर टच करना होगा, उसके बाद सेव टू गैलरी पे टच करना है, और उसके बाद ऊपर जो पिक बनाई उस पर टच, और उसके बाद नीचे ओके करना है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो।